तो भाई स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। ये नेक्सॉन की बेसिक मॉडिफिकेशन की वीडियो, इसमें मैं आपको मैट्स और कुछ बेसिक एसेसरीज़ के बारे में बताऊंगा जो आपको नेसेसरी आपकी गाड़ी में लगाना। तो ये GFX के मैट जो कि गैलियो ब्रांड से आते हैं, और ये 7D मैट्स जो मैं बता दूँ दोस्तों, मैंने अपनी ग्रीस में यूज़ करे थे, वो इतने मेरे को पसंद नहीं थे। उसमें दिक्कत आती है कि आपकी जो रेस पैडल होती है उसमें वो अड़ते हैं, आप यूज़ करते हो जब पैडल को प्रेस करते हो तो आपकी जो रेस है वो पूरी दबती नहीं है। और ये डिजिटल फिटिंग के साथ आता है, मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसी इसकी फिटिंग आती है और कैसी ये लुक देते हैं नेक्सॉन के अंदर। और ये लगभग काफ़ी सारी गाड़ियों के आते हैं मैट, अच्छे मैट हैं। अभी बाकी मैं यूज़ करूँगा तो मैं आपको बता दूँगा, और जैसा कि अनबॉक्स हो रही है मैट तो देख भी रहा हूँ आपको, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ आता है, बॉक्स में पैक होके आते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, दिखने में लग भी रहे होंगे आपको प्रीमियम। अरे केकर का लगाइयो, दूसरी साइड डालू मैं, ओए मेरा कर लगाइए, रुक जा, सीटा का कर रहे एक बार, सीटा का करने दे यार, रुक जा एक बार, आकाश सीटा का कर, अरे नीचे तक कर। और ये मैट लाइफ टाइम वारंटी के साथ आते हैं, जो आप इसमें किसी भी तरह कैसे भी यूज़ कर लो, चिकड़ के भी पाओ तो आपके मिट्टी इसके अंदर घुसती नहीं है, ऊपर पड़ी आप इसको आसानी से निकाल के अपनी जो गंदगी है गाड़ी में जो पड़ी है बाहर भी झाड़ सकते हो। और इनकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आती है और दिखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मैंने 7D मैट यूज़ किए हैं, उनमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम रहती है, गीले हो जाते तो सूखने में उनको काफ़ी टाइम लगता है और मिट्टी उनके अंदर घुसी रहती है, आपको धोने पे ही पीछा छूटता है उसका, धो के ही आप इसमें हल्का सा गीला कपड़ा ही मार दोगे तो ये साफ़ हो जाएंगे, लुक कुछ इस तरह की आती है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो फैला हुआ है मैट एकदम, बिल्कुल सनक फिट है, आपको लगेगा नहीं कि कहीं से भी कुछ ज़्यादा निकला हुआ है या ऊबड़ खाबड़ है या ऊँचा नीचा है, बिल्कुल एज टू एज फिटिंग है इसकी। ये फ्रंट का है, गैलियो की ब्रांडिंग इसमें आती है, देखो पैडल जो रेस का वो क्लच का वो एकदम प्रॉपरली दिखता है, आप आराम से प्रेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। ये पैसेंजर साइड का है, देख लो बिल्कुल सनक फिट है, डिजिटल फिटिंग के साथ आता है, बिल्कुल प्रॉपरली फिट हो जाता है। अब जो दूसरी चीज़ है वो है इसका डोर वाइज़र, जो कि आपका टाटा ब्रांड का ही आता है, जो आपको OEM फिटिंग के साथ मिलता है, मतलब जो टाटा वाले डीलर लगा के देते हैं इन्हीं को, वही डोर वाइज़र है। ये मेरे को 1150 का और प्लस 100 रुपये फिटिंग के पड़े, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा महंगा है, डीलर एंड पे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है अगर आप शोरूम से लेते हो, यहाँ ये मेरे को 1250 की कॉस्टिंग पे पड़ा है। बाकी एक आध जगह और आप ट्राई करोगे तो सस्ता भी मिल जाए, ये बिल्कुल टाटा की लोगों के साथ आता है, उसमें छुपा लेते हैं, वाइट डब्बे में लेते हैं, प्रमोटर के साथ लगाओ, कैसे लगाओ, प्रमोटर लगा ले थोड़े से जी, ये दिए उसने भाई 1140-1150 रुपये के, मात्र महंगे नहीं दिए, सब तो महंगा वाइजर, इस तो महंगा वाइजर को 700 रुपये तो लगाई हुई रहती है, 100 रुपये लगाई रहती है। चलो तू क्या मान ले और लगाइए एज टू एज बिल्कुल। बाकी लगने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ किस तरह की लुक आएगी एज टू एज, देखिए इसमें दिख भी रहा होगा आपको टाटा का लोगो है और एक क्रोम लाइनिंग के साथ आता है। Yeah.
अभी कोई भी चीज़ लगाने से पहले अगर आप डोर वाइजर लगा रहे हो या फिर भी किसी जो ऐसी चीज़ें जो चिपकती हैं तो उसमें आप प्रमोटर का यूज़ ज़रूर करें। प्रमोटर से ये है कि आपकी जो जो पेस्टिंग होती है वो अच्छी हो जाती है, जो जो डस्ट वगैरह है उस पर अच्छे से चिपक जाता है, उसको साफ़ करके ही लगवाए। प्रमोटिंग करने के बाद ये है कि आपको जो आपका डोर वाइजर या कोई भी प्रोडक्ट है वो आसानी से अच्छी पकड़ के साथ चिपक जाता है। ये आई पॉप की डोर गार्ड है, ये ओरिजिनल आई पॉप के डोर गार्ड है जो कि 250 रुपीस के पड़े हैं। ये कुछ इस तरह की फिटिंग आई है इसकी, दिखने में काफी अच्छे लग रहे हैं, थोड़ी सी लुक इनहेंस हो जाती है आपकी गाड़ी की अगर आप क्रोम वाले डोर वाइजर लगाते हो। कुछ भाइयों को क्रोम अच्छा नहीं लगता, जैसे कि मुझे भी क्रोम ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन डोर वाइजर थोड़े हैं क्रोम लाइनिंग में ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। आप बेसिकली लगाओगे तो इतना खास लुक देते नहीं है, थोड़ा क्रोम वाले थोड़ी अच्छी लुक देते हैं। ये हमारे चारों डोर वाइजर लग गए और हाई पॉप के डोर गार्ड भी लग गए। कुछ ऐसी लुक है इन डोर वाइजर की। कुछ ऐसी लुक आती गाड़ी की। और आप बोल रहे इसमें सार्क फिन एंटीना का काम, आपको नेक्सोन के XM वेरिएंट में नॉर्मल एंटीना मिलता है। तो सार्क फिन एंटीना दोस्तों लगवाना, जैसे आपकी थोड़ी गाड़ी की लुक अच्छी हो जाती है, वो छत पे एंटीना सा खड़ा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए सार्क फिन एंटीना लगवा लें। इसकी जो है कॉस्टिंग कुछ ज़्यादा नहीं होती, 300-350 रुपये में आपको इजीली गैलियो ब्रांड का सार्क फिन एंटीना मिल जाता है, आप ऑनलाइन भी मंगा के लगा सकते हो। मैंने इसमें गैलियो का सार्क फिन एंटीना लगवाया जो कि मेरे को पड़ा है 350 रुपये का। काफ़ी दुकान पे से काफ़ी जो है दुकानों पे शॉप्स पे सस्ता भी मिल जाएगा आपको गैलियो का ही। आप कोई भी काम करें इसमें प्रमोटर ज़रूर लगा लें, उससे जो है पकड़ अच्छी हो जाती है। ब्लैक कलर का ही मैंने लगवाया क्योंकि मैं रूफ को हो सका तो पर्ल वाइट की जो है अपनी रूफ कराऊंगा गाड़ी की। 15 के लाख के बाद में कितनी सच्चाई होगी? तो कुछ इस तरह की लुक आती है इसकी। पीछे से कुछ ऐसा लगता है दिखने में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बेसिक मॉडिफिकेशन पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मैं कुछ छोटे मोटे और काम कराऊंगा, तो मैं उसकी भी वीडियो जल्दी पोस्ट कर दूंगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, धन्यवाद।